आपकी एक एकेडमी है जो काफी पॉपुलर भी है, हम लोग काफी सुनते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरा एक विश था कि एक म्यूजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट आई शुड ओपन, ताकि फ्यूचर जनरेशन और जिन जिन को सीखना है वो गाना सीख सकते हैं। तो इनिशियली ऐसा आइडिया था कि मैं एक मतलब बड़ा सा एकेडमी में बिल्डिंग बनाऊंगा वगैरह, लेकिन मैं हूँ कंप्यूटर इंजीनियर, तो वो भी दिमाग में आया। और मेरा एक जो दोस्त है श्रीधर, उनके साथ मिलके हमने द फर्स्ट वर्चुअल म्यूजिक एकेडमी हमने खोली है। इट्स शंकर महादेवन अकेडमी डॉट कॉम। अगर आप लॉग इन करें तो आप इस एकेडमी के स्टूडेंट बन सकते हैं। हमने 4 साल पहले शुरू की, वी स्टार्टेड ऑफ विथ 15 स्टूडेंट्स, लेकिन 4 साल बाद हमारी एकेडमी 47 कंट्रीज में शास्त्रीय संगीत सिखा रही है। वो और मैं बहुत खुशी से कहूँगा कि हमारे पास पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स हैं। एशिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ दुनिया का हर फेस्टिवल मनाया जाता है। इनफैक्ट एशियन कल्चर की अगर बात करें तो बिना फेस्टिवल के हमारा जो कल्चर है और हमारी जो सेलिब्रेशन है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। क्यों श्वेता? एब्सोल्युटली हसन, और ख़ास बात ये है कि हमारा फेस्टिवल मनाने का स्टाइल भी कुछ निराला है, और इतना ही निराला है इस शो का फॉर्मेट जो कभी भी किसी कंटेस्टेंट को चैन से बैठने नहीं देगा। और हर मोड़ पर एक नया चैलेंज और सिर्फ एक मकसद, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट सिंगर। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट स्नेहा शंकर। बोलेंगे यार She is the cutest thing. कैसे कहते हो यार ऐसे? एंड वो जो जगह है वो क्या मुश्किल है।
लागे तुमसे लागे मैं। इसको भी उठा के फेंक दो दमदार दस में जल्दी से। so much. कमाल है यार। देर इज अ बहुत छुपा हुआ एक कहीं पे एक एक्टर भी बैठा हुआ है अंदर, जिसने बताया हुआ है कि इस जगह पे इतना झुकते हैं और जो बैंड है उसको ऐसे बताते हैं। ये किससे सीखा? लासे तुमसे लागे मैं तुमसे लागे मैं। आप जानते हैं शफकत भाई, इनके पापा जो हैं राम शंकर जी, बहुत ही मतलब कमाल गुणी म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं, तो आपको वो जो डीएनए है वो दिख ही रहा है इनमें। आई थिंक वी विल हैव टू चेंज द सेंटेंस फॉर जो एक idiom है, लाइक फादर लाइक सन, आई थिंक हियर इट गोज एज लाइक फादर लाइक डॉटर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, हाउ इम्प्रेसिव इज दैट। आई हैव नेवर सीन सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। बहुत सी तालियां इनके लिए। अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत से सवालात करती हैं ये, इनके पास बड़े स्पेशल किस्म की कोई बातें होती हैं। जब तक मैं कोई सवाल नहीं करती मेरा पेट ही नहीं भरता। उन्होंने इतने सवाल कर लिए हैं मुझे पिछले कुछ एपिसोड्स में ऐसन, तो अभी आप एक और जरा हो जाए जबरदस्त सा सवाल यहां शूट करिए आप सवाल। पहला सवाल जी। जी बोलिए। एक पेड़ पे 10 चिड़ियां बैठी हुई है, ठीक है, फिर शूटर आया और एक को शूट किया उसने, सही, कितनी बची? मुश्किल सवाल है कि 10 चिड़िया हैं और शूटर ने शूट किया एक चिड़िया को, तो कितनी बची? कोई ऑप्शंस? किसी को जवाब आता है? मेरे पास इस सवाल का अलग ही जवाब है। आप लोग सब जवाब दो, बाद में मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जाहिर है जब गोली चली होगी तो यकीनन सब उड़ गई होंगी, बाकी जो है सही जवाब है। अरे मेरे लिए तालियां बजाइए, क्या बात है। आपके पास क्या जवाब है सर? एक चिड़िया बचा है। कैसे? वो बिंदास था। बस कर, प्लीज बस कर दो यार, बस। नहीं नहीं, लास्ट ही। चलो लास्ट। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, अब 2 दिन कौन से टी से शुरू होते हैं लेटर, सिवाय थर्सडे और ट्यूसडे छोड़ के? टी से शुरू होते हैं, समझ नहीं आया। ये लोग भी सोच में डूब गए। आपका हर दिन टी से शुरू होता है, मॉर्निंग टी से। ओ दैट टी, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी राइट। स्नेहा, बहुत ही बढ़िया सवाल भी पूछ लिया आपने और जवाब भी कुछ अतरंगी से मिल ही गए हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर।